नमस्कार, मैं निवेदिता। 2014 में चली मोदी लहर के बाद भी 2019 में मोदी सुनामी का आना इस बात का सबूत है कि जनता का मोदी में बीजेपी में अटूट विश्वास है। जनता को भरोसा है कि अभी तक के अपने 5 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने देश में जो कामकाज किए वो तो है ही, फिर उसके बाद विदेश में भी जिस तरह भारत का डंका बजा है उसे आगे भी ले जाने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। तभी तो 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए जनता ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तमाम रोड़ों और रुकावटों के बाद भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को ही देश की सत्ता सौंपी। वोटों के अलावा अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो यहां पर भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से बीजेपी कहीं ज्यादा आगे है, पूरे 16 गुना। दरअसल एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 2 साल में देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस को 55 करोड़ 36 लाख रुपए का चंदा मिला, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी को वित्तीय वर्ष 2016 से 2018 के बीच कुल 915 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 18 के दौरान कारोबारी घरानों ने 985 करोड़ 18 लाख रुपए का चंदा दिया, जिसमें 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे को गिना गया है। इन 985 करोड़ 18 लाख रुपए का लगभग 93% हिस्सा बीजेपी की झोली में गया, यानी कि करीब 915 करोड़। वहीं बाकी बचा चंदा अन्य पार्टियों के खाते में गया, जिनमें बीजेपी के बाद 55 करोड़ 36 लाख रुपए के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, तो वहीं 7 करोड़ 73 लाख रुपए के साथ एनसीपी तीसरे स्थान पर रही, जबकि मायावती नेतृत्व वाली पार्टी बीएसपी के मुताबिक उसे 20,000 रुपए से ज्यादा कोई चंदा मिला ही नहीं। सीपीआई को 7 लाख चंदा मिला है, जिनमें से 4 लाख का चंदा उसे कॉरपोरेट सेक्टर से हासिल हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय दलों को दान देने के मामले में प्रूडेंट और सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे आगे है, जिसने बीजेपी और कांग्रेस को 429 करोड़ 42 लाख रुपए का चंदा दिया है। फिर रियल एस्टेट कंपनियां भी राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने में आगे रहती हैं। जैसे वित्तीय वर्ष 2016 से 2018 के बीच में रियल एस्टेट ने राजनीतिक पार्टियों को पूरे 49 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां भी राजनीतिक पार्टियों को दान देती हैं, जैसा कि पिछले 2 साल में 74 करोड़ 74 लाख का चंदा मिल चुका है। इन तीनों सेक्टर्स के बाद खनन, एक्सपोर्ट, हेल्थ केयर, वित्तीय, शिक्षा, ऑयल, संचार, होटल, ट्रैवल, शिपिंग कंपनियां भी चंदा देने में आगे रहती हैं, जबकि इस सब की प्रक्रिया में देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को दरकिनार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साल 2013 का वो फैसला जिसमें उसने कहा था कि 20,000 से ज्यादा का चंदा देने वाले के पैन का खुलासा किया जाना जरूरी है, लेकिन राजनीतिक दल फिर भी बड़ी तादाद में बिना पैन के लोगों से चंदा ले रहे हैं। बता दें कि 2016 से 2018 के आंकड़ों के बीच 120 करोड़ की राशि ऐसी है जो राष्ट्रीय दलों ने ले तो ली, लेकिन उसका स्रोत चुनाव आयोग को नहीं बताया, जिनमें से 2 करोड़ 59 लाख की राशि ऐसी है जिसे पैन के विवरण के बिना ही राजनीतिक पार्टियों ने ले लिया। अर्थव्यवस्था में गति तब तक संभव नहीं है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ना हो। यही कारण है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार हम पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। गांव में उपज के भंडारण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर शहरों में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण, हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, आईवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा, यानी वाले 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले कुछ वर्षों में सिर्फ गांवों में ही लगभग 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथियों, साल 2022 तक हर गरीब बेघर के सिर पर पक्की छत हो, इसके लिए सिर्फ गांव में ही
लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग के घर के सपने को पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सस्ते घरों के लिए मिडिल क्लास जो होम लोन लेता है उसके ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट में 1.5 लाख रुपए की वृद्धि की गई है। यानी अब होम लोन के ब्याज पर 3.5 लाख रुपए तक की छूट मिल पाएगी। इससे 15 वर्ष की लोन अवधि तक 7 लाख रुपए तक का लाभ एक परिवार उठा सकता है। ये बहुत बड़ा काम है। इतना ही नहीं, किराए पर घर खोजने में जो असुविधा होती है उसके समाधान के लिए भी कदम उठाए गए हैं। रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक मॉडल टेनेंसी कानून राज्य सरकारों को बनाकर भेजने वाली है। साथियों, गांव से लेकर शहरों तक जब इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होगा तो रोजगार का निर्माण होगा, सामान्य परिवार की जेब में पैसा जाएगा। इससे देश में स्टील, सीमेंट सहित हर सामान की मांग बढ़ेगी। इस सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ियां की मांग बढ़ेगी। देश में इस तरह डिमांड को पूरा करने के लिए हमें देश में ही सामान बनाना पड़ेगा। ऐसे में मेक इन इंडिया को गति देने के लिए बजट में बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए हैं। इस अभियान को हम डिफेंस, रेलवे और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भी मजबूत कर रहे हैं। आज बड़ी मात्रा में हम रक्षा से जुड़े उपकरणों का निर्यात करना शुरू कर दिया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यानी मोबाइल फोन, टीवी जैसे सामान बनाने में भी हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बजट में स्टार्टअप, और आप जानते ही हैं स्टार्टअप शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, नई अर्थव्यवस्था की धुरी स्टार्टअप बन रहा है। बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बल दिया गया है। चाहे टैक्स में छूट हो या फंडिंग से जुड़े मुद्दे हो, हर पहलू के समाधान का प्रयास किया गया है। और हमारे नौजवानों के सपने स्टार्टअप के साथ शुरू होते हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। हमारे छोटे और मझले उद्योगों के से लेकर जो हमारे पारंपरिक उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे बुनकर, मिट्टी के कलाकार, हर प्रकार के हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। वहीं सौर ऊर्जा के लिए देश में ही सौर पैनल और बैटरी बने, इसके लिए पूरी दुनिया की कंपनियों को निवेश का आकर्षक प्रस्ताव दिया गया है। बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने, खरीदने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वालों को टैक्स में छूट दी गई है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जाल इतना बढ़े हमारे मछुआरे भी इलेक्ट्रिक सिस्टम का ही उपयोग करें तो उनका काफी खर्चा कम हो जाएगा। साथियों, सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरण हो या फिर बिजली से चलने वाले वाहन, ये जब भारत में ही बनेंगे तो आयात पर आने वाला खर्च कम होगा। साथ ही पेट्रोल डीजल के आयात पर जो खर्च होता है वो भी कम होगा। सिर्फ तेल के आयात पर ही देश को हर वर्ष, यानी पेट्रोल डीजल की बात मैं कर रहा हूं, हर वर्ष 5 से 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। इसके कम होने से कितनी बड़ी राहत देश को मिलेगी ये हम भलीभांति समझ सकते हैं। साथियों,
आयात से जुड़ा खर्च जब कम होगा तो वो देश के लिए एक बचत के रूप में ही काम करेगा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। यही कारण है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को जितना संभव हो सके भारत में ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास कोयला भी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा मौजूद है। इनसे बिजली उत्पादन की क्षमता को आधुनिक तकनीक के उपयोग से हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही कचरे से ऊर्जा पैदा करने के अभियान को मजबूती देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। स्वच्छता अभियान का एक कदम आगे, खेती से निकले अवशेषों को बायोफ्यूल में बदलने के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं।